आज हम एनालिसिस करेंगे क्रैंकशाफ्ट की। सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट देख ले तो होती क्या है, ये पिस्टन से कनेक्ट रहती है। तो पिस्टन की जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है सिलेंडर के अंदर, जब पिस्टन अप डाउन करता है या टीडीसी टू बीडीसी जाता है या इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर जाता है, तो इसके जो मूवमेंट से जो क्रैंकशाफ्ट है रोटेट करती है, जो डायरेक्टली आपके इंजन के साथ कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से आपकी व्हील्स रोटेट करेगी। ये बेसिक कंसेप्ट होता है क्रैंकशाफ्ट का। तो आज हम इसके एनालिसिस करेंगे। तो मैं स्टैटिक स्ट्रक्चर सिमिलर जो मैंने पिछले दो वीडियोस में देखा था ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। आज मैं दिखाऊंगा इसमें थोड़ा और चीज़ कैसे हम एडिट कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग डेटा में जाऊँगा, एडिट पे जाऊँगा। जैसे हमें चाहिए कोई और मेटल, हमें और कोई मटेरियल यूज़ करना है, तो हमें इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पे जाएंगे, जनरल मटेरियल्स में टिक करूँगा, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इस समय ग्रे कास्ट आयरन मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लस दबा देंगे, वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अगर जैसे ये तो सारे जो लाइब्रेरी में था वो था सारे मटेरियल, जैसे कि हमें चाहिए हमें खुद का मटेरियल यूज़ करना है और जो लाइब्रेरी में है, तो हम यहाँ पे जाके प्लस यहाँ पे जाके नया मटेरियल बना सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डाल के, प्लास्टिसिटी, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्रीप के लिए, लाइफ के लिए। ठीक है, तो मैं मेरा ही मटेरियल आ चुका है ग्रे कास्ट आयरन। अब प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, ज्योमेट्री में इंपोर्ट कर लूंगा क्रैंकशाफ्ट की, मॉडल में एडिट कर दूंगा। अब स्टार्ट हो रहा है। और ये ओपन हो चुका है, ओपन हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, जो मटेरियल मैंने चूज किया था दैट इज ग्रे कास्ट आयरन, मुझे इसमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा, मैं इस पे जाऊँगा, ये मटेरियल पहले मैंने पहले सेलेक्ट किया, और इस वाले पे स्ट्रक्चर स्टील की जगह ग्रे कास्ट आयरन को सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे सारी बॉडीज को कर लूँगा। और ये लास्ट वाली को भी कर लूंगा। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा ये क्रैंक जो है रोटेट करे, और इसके साथ साथ इसका जो ये रोड है इस पर मैं फोर्स डालूँ अबाउट 10,000 न्यूटन का। तो मुझे इसका डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो इस बारे में मैं आपको बताऊँ फिक्स सपोर्ट भी यूज़ कैसे करना है, सिमिलरली रोटेशनल वेलोसिटी कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ मैस में, पहले मैस बना लेता हूँ, इंसर्ट, इसमें मैं टेट्रा यूज़ करूँगा, ज्योमेट्री में कंट्रोल ले से सारी सेलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा। अब क्या करना है, मुझे एनालिसिस जो करनी है बीच वाले पे करनी ज़्यादातर देखा जाए तो इस वाले की मैथ मैं अच्छी करूँगा, सिर्फ इस वाले की साइजिंग करके। तो उसके लिए लेफ्ट फिर राइट, इंसर्ट, साइजिंग, एज, फेस लिया। ठीक है, और एलिमेंट साइज 1.25 है, ऐसे मैं 0.5 कर दूंगा, E-2, और अपडेट कर दूंगा मैस को। अब ये थोड़ा फाइन बन जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर्स, और अच्छी कर सकता हूँ शायद मैं। नहीं, ज्यादा छोटा जाएगा, 0.25।
हाँ काम चल जाएगा हमारा। अब मैं कंस्टेंट लगाता हूँ, सिमिलरली जैसे मैं पिछले में किया था, स्ट्रक्चर पे जाऊँगा, इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट पे फिक्स सपोर्ट रहेगा मेरा। फिक्स सपोर्ट के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल दबाए रखूँगा और सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाली पार्ट, पूरा पार्ट। ये फ्लैंज होते हैं, ठीक है। और ये मेरा हो गया, अप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली मैं दूसरा लूंगा एंड फिक्स सपोर्ट, इस वाले को भी ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये बेयरिंग है, इन्हें अप्लाई कर दिया। और इंसर्ट पे जाऊंगा, अब फोर्स लगाऊंगा, इसके लिए सरफेस लूंगा, अप्लाई करूंगा, फेस सिलेक्ट हो चुका है। सिमिलरली अब मैं जाऊंगा कंपोनेंट्स में, मुझे चाहिए माइनस वाई डायरेक्शन में, तो -10,000 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं डालूंगा रोटेशन वेलोसिटी, ये इस तरफ लेगा, मतलब अगर मैं इसे अपोजिट करना है इसकी डायरेक्शन को, वेलोसिटी को, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होएगा, अगर ये आउटर है, आउटर एक्सिस जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो पाम होगी तो वो आपका इस तरफ रोटेट करेगी ताकि बाहर निकले, राइट हैंड थंब रूल जानते होंगे आप। तो वेलोसिटी में डाल दूंगा 100 रेडियन पर सेकेंड, और इसी अपोजिट करके मैं चाहता हूँ इस तरफ रोटेट करे, तो अप्लाई कर दूंगा। 1 मिनट, ठीक है, अप्लाई हो गया, 100 रेडियन पर सेकेंड है ये। नाउ अब मैं सीधा सॉल्व करूंगा इसे, सॉल्व हो गया, तो हमारा ये आ चुका है, डिफॉर्मेशन भी आ चुका है और इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ चुका है। इसी के साथ साथ मैं और भी चीजें डाल सकता हूँ इसके अंदर, जैसे कि स्ट्रेन निकाल सकता हूँ मैं, तो मैं सॉल्व कर दूंगा पूरे को और इसको मैं देख सकता हूँ। स्केल में इस बार 0.5x कर दूंगा, ये देखिए कैसे डिफॉर्म होएगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्मल एनालिसिस और उसके बाद ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सबसे मेन जो है सीएफडी फ्लुएंट, वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू।